क्लासेस डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा यूथ जो आसानी से आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पोकन वाइज, इंग्लिश वाइज, इंग्लिश ग्रामर वाइज आप इसका यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ देखते हैं कैसे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन को, जो घंटी दिख रही है ना, उसको टिक कर दो, जिससे हमें आप जो है कनेक्ट हो सके और हम आपके घर जाकर आपको बोल सकें कि बस ये वीडियोस आ गई हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। बास वर्ब होता क्या है? देखिए बास वर्ब सब लोगों को लगता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही है, लिंकिंग वर्ब ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बोला मैं वहां था, मतलब कि जिस सेंटेंस में आप क्रिया नहीं करते ना, उस सेंटेंस में भी इसका यूज करते हैं। बोलिए कैसे। देखिए इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है बच्चा, था, थी और थे, है ना, आसान। लेकिन आपको अभी तक ये पता होगा कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। मैं खाना खा रहा था, मैं वहां जा रहा था, मतलब अभी तक आपको ये पता था कि रहा था, रही थी, रहे थे, इस सेंस में आप यूज करते हैं। लेकिन बाबा इसको आप एक तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। पहले हम ये जान लेते हैं कि इनको किसके साथ लगाते हैं, तो ये आपका सेम रहेगा। कैसा सेम रहेगा? बाज के साथ इस्तेमाल होगा आपका, किसका, आई, और सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सी, इट, नेम के साथ, ठीक है ना बाबा। कैसे भाई? ही, शी, इट, नेम के साथ इस्तेमाल होगा आपके बाज का। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप वर्ब की बात करें तो जो इसने छोड़ा है, मतलब जो जो चीज इसमें नहीं आई है वो चीज वर्ब में चली जाएगी। अगर आपने सब्जेक्ट नहीं समझे हैं तो भैया लिंक मैंने मेंशन कर दिया, आपको देखना है आप देख सकते हैं, और पता है तो भाई आप इंटेलिजेंट हैं, है ना। चलिए ये देखिए जरा, अब ये भी देख लीजिए। देखिए वाज इस्तेमाल होता है आई, ही, शी, इट, नेम के साथ। बर जो है वो इस्तेमाल होते हैं भैया दे, वी, यू के साथ, है ना, कमाल की चीज। मन में तो ये हो रहा होगा ना कि यार ये तो हमें पहले से बताती, कुछ नई चीज लेकर आई। भाई ये नई है, थोड़ा सा आगे बढ़ के बताती हूँ कैसे। पहले मुझे आपको बेस तो कम्प्लीट करवा दीजिए। चलिए मैं बताती हूँ कैसे ये नई चीज है। ओके, जैसे मैंने बोला कि मैं वहां था, मैं वहां था, तो भाई मैं क्या बोलूंगी इसके लिए? देखिए आपको लग रहा होगा था के लिए क्या इस्तेमाल करें। कई बार हमारे मन में ऐसे सेंटेंस को देखकर ये तो हड़बड़ी मस्ती है कि यहाँ पर हम कैसे सेंटेंस में क्या, कौन सी लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करें। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, चेहरे पर कोई मत जाना, मैं काम करके आती हूँ, ठीक है। मैं वहां था, दैट मीन्स आई वॉज देयर, आई वॉज देयर। अभी तक आपने ये पढ़ा था, अभी तक आपने ये पढ़ा था कि भैया सिर्फ आप टेंस वाइज इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट आप ऐसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि मैं वहां था, आई वॉज देयर, मैं देखिए आपको ये तो पता है कि लिंकिंग वाइज कैसे इस्तेमाल करेंगे, लिंकिंग वर्ब की तरह हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा था, तो भैया ऐसे इस्तेमाल तो होता ही है कि वर्ब के साथ, किसके साथ, आपकी एक्शन वर्ब के साथ तो इस्तेमाल होता ही है कि मैंने बोला कि आई वॉज ईटिंग फूड, तो बेटा ऐसे तो इस्तेमाल इसका होता ही है। बट मैं आपको ऐसे इस्तेमाल की बात कर रही हूं, तो हम आज ये वाला इस्तेमाल देखेंगे कि भैया ऐसे भी यूज होता है। देखिए ऐसे भी यूज होता है, आई वॉज देयर, ठीक है ना। मैं और बताती हूँ आपसे, मैंने बोला वहां एक लड़की थी, मैंने बोला वहां एक लड़की थी, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर वाज अ गर्ल, ठीक है। आप इस इस्तेमाल में भी, मतलब इस टाइप से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैंने बोला कि वहां लड़कियां थी, मैंने बोला इसको ही मैंने कर दिया कि भैया लड़कियां थी, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर वर गर्ल्स, ठीक है, देयर वर गर्ल्स। तो इस टाइप से भी आप बाज और वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, इसका सिंपल यूज।
अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको कोई और डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भैया अभी तक क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब नाउ और हिट द बेल आइकन भैया। और इसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि ये यूज आपको पसंद आया होगा, मैंने कम मिनट की वीडियो बनाई है ताकि आपके साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर पाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।